हर एक व्यक्ति अपने लिए मिस्टर परफेक्ट एंड मिस परफेक्ट पार्टनर ढूंढता है, और क्यों नहीं ढूंढेगा, सबको अच्छा पार्टनर चाहिए। सही बोला ना दोस्त, क्योंकि जिसके साथ पूरा लाइफ रहना है वो कम से कम अच्छा तो होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा लाइफ हेल हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल तरीके से आज के इस वीडियो में समझेंगे, अगर आप अपने लिए अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हो तो उसके अंदर 5 हैबिट्स तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी देर में 5 हैबिट्स क्लियर करता हूँ, वीडियो को कंटिन्यू करो। अगर 5 हैबिट्स में से अगर एक भी हैबिट्स आपके पार्टनर के अंदर है तो आई नो डेट 100% कन्फर्म है दोस्त कि आपका पूरा का पूरा लाइफ हेल हो जाएगा। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। सबसे पहले नंबर में आता है दोस्त, उसको समझ लेते हैं, आपका पार्टनर छोटा मानसिकता वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपके पार्टनर का मानसिकता छोटा है, इतना सा है ना दोस्त, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेगा। और अपना जो भी, ऐसे समझ सकते हो ना कि जो भी उसका प्रॉब्लम है, जो भी बातचीत है, हर एक चीज़ आपके ऊपर थोपना चाहेगा, आपके ऊपर डालना चाहेगा। तो आप खुद ही समझो ना दोस्त, अगर सामने वाला अपना प्रॉब्लम आपके सर डाले तो आप कैसे रह पाओगे उस रिलेशनशिप में या उस पार्टनर के साथ जो आपके लिए परफेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यही चीज़ देखना होता है कि कहीं आपके पार्टनर का मानसिकता छोटा तो नहीं है। अगर छोटा मानसिकता होगा, हर बात में शक करेगा, हर चीज़ में पंगा क्रिएट कर देगा। इसलिए दोस्त सबसे पहले इसी चीज़ को देखना होता है कि आपके पार्टनर का छोटा मानसिकता तो नहीं है। अगर होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो दोस्त कोशिश करो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में, क्योंकि एक बार मिलने से देखने से पता चल जाता है कि सामने वाला का मानसिकता क्या है और क्या सोचता है। सेकंड दोस्त, जो भी आपका पार्टनर है ना, आपका अहमियत देने वाला है या नहीं देने वाला है, ये भी जरूरी होता है एक बेस्ट पार्टनरशिप के लिए और एक बेस्ट रिलेशनशिप के लिए। और जो भी आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हो ना, उसके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि आपका पार्टनर आपको अहमियत देता है या नहीं देता है। देता है तब तो ठीक है, नहीं देता है तो दोस्त प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हर एक डिसीजन आपसे बिना पूछे लेगा। जो भी उसको डिसीजन लेना होगा, आपको बिना बताए बिना बोले फटाफट खुद ही लेगा। जो भी प्रॉब्लम होगा दोनों को झेलना पड़ेगा। लेकिन एक पार्टनरशिप में, एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि आपका पार्टनर आपको अहमियत देता है या नहीं देता है। इसलिए दोस्त आप ज़रूर इस चीज़ को चेक करो कि आपका पार्टनर आपको अहमियत देता है या नहीं देता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, आपको देखना होगा कि आपका पार्टनर जो भी है उसके अंदर ऐसा हैबिट तो नहीं है, ऐसा आदत तो नहीं है कि कंट्रोल करना चाहता है आपको। क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं या जब हम किसी के साथ प्यार करते हैं, तो पार्टनर प्यार करने के अलावा आपको कंट्रोल करने का भी कोशिश करता है। तो बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आपके पार्टनर के अंदर ऐसा कुछ हैबिट है तो दोस्त आप तो समझ लो कि आपका पूरा लाइफ लगने वाला है। इसलिए आप सबसे पहले इस चीज़ को चेक करो कि ऐसा हैबिट तो नहीं है कि कहीं वो आपको कंट्रोल तो नहीं करना चाहता। जो ऐसा होता है आपके रिलेशन में तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे पहले हो, उससे पहले आप चेक कर लो कि ऐसा कुछ है तो नहीं। फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्त, सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसको जानो। क्योंकि अगर आपके पार्टनर के अंदर या आपका पार्टनर में ऐसा हैबिट है, हिंसक व्यवहार, समझते हो ना हिंसक व्यवहार का मतलब है, कि अगर आपको लगता है कि वो हिंसक है या उसका व्यवहार हिंसक है, अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में जाते हो या आप उसके साथ रहते हो, तो आपसे लड़ाई, झगड़ा, गाली गलौज हो सकता है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है ना दोस्त कि अपन जब किसी से एक बार दो बार मिलते हैं ना, उसका हर एक चीज़ पता चल जाता है। उसका मेंटलिटी क्या है, उसका सोच क्या है, क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, हर एक चीज़ पता चलता है। तो दोस्त सबसे पहले इस चीज़ को भी चेक करो, कहीं आपका पार्टनर हिंसक तो नहीं है, नहीं तो पूरा लाइफ आपका वाट लगा देगा। फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ये भी जरूरी है, इसको भी जानना है, कहीं आपके पार्टनर के अंदर झूठ बोलने का तो आदत नहीं है। अगर झूठ बोलने का आदत होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हर एक बात में आपसे झूठ बोलेगा, कभी आपसे सच बोलेगा ही नहीं, कुछ भी करके आएगा, कुछ भी करेगा, हमेशा आपसे झूठ बोलेगा। इसलिए आपको चेक करना होगा कि कहीं आपके पार्टनर के अंदर ऐसा हैबिट तो नहीं है जो झूठ बोलता हो। क्योंकि दोस्त अगर झूठ बोलने वाला पार्टनर मिल जाए ना, तो आप खुद ही समझ लो ना, समझदार हो, ऐसा कोई नया चीज़ थोड़ो ना है। बहुत समझदार हो, समझ सकते हो कि अगर झूठा पार्टनर आपको मिल जाए तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो दोस्त यही 5 चीज़ें हैं, और मुझे पता है कि मैंने कोई नया चीज़ नहीं बताया है, और आप अच्छा पार्टनर ढूंढ सकते हो ये भी जानता हूँ। लेकिन इसको भी जान लो कि क्वालिटी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा पार्टनर ढूंढ लेना, लेकिन ये चीज़ देख भी लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स।